वेल, आप भी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप लाखों रुपए जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये जो ऑफर है ना ऑल यूजर नहीं है, और अभी के लिए ऑल यूजर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जो है सभी यूजर्स के लिए होने वाला है। और बात करें ये जो ऑफर है कहाँ से आ रहा है, तो ये एक ऑफिशियल एप्लीकेशन, वो भी बैंक की एप्लीकेशन की तरफ से ये ऑफर आ रहा है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। और किसी न्यू ऑफर या अपडेट की इन्फॉर्मेशन पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे मैं न्यू लूट ऑफर वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन होंगे तो कोई भी ऑफर आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी, और आप उसे कंप्लीट करके कैशबैक वगैरह अर्निंग कर सकते हैं। या कोई अपडेट आ जाता है तो उस टाइम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है तो मैं वहां पर पोस्ट कर देता हूं, तो आप उसे भी देखकर जान सकते हैं कि क्या कुछ नया अपडेट आ चुका है। तो ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बैक टू द टॉपिक कि कौन से एप्लीकेशन के थ्रू हम लाखों रुपए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। तो ये जो ऑफर आ रहा है पेजैप की तरफ से आ रहा है। मे बी आप में से काफी यूजर्स पेजैप एप्लीकेशन को यूज करते होंगे, लेकिन आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास में HDFC बैंक का अकाउंट है तो आप यहाँ पर फुल KYC कर सकते हैं। अकाउंट नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड के थ्रू मिनी KYC यहाँ पर कर सकते हैं। मिनी KYC में यही है कि आपको जो लिमिट कम मिलता है, यानी आपको मंथली जो है 10,000 रुपए का ट्रांसफर करने का, एड मनी करने का लिमिट मिल जाता है। लेकिन आपका फुल KYC होगा उस कंडीशन में आप 1,00,000 रुपए जो है महीने में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आप लोगों का सवाल होगा कि इसमें नया क्या है, तो हमें भी पता है कि हम यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड से थ्रू लोड मनी कर सकते हैं और उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन करेंट टाइम की बात करें तो ट्रांसफर करने के लिए आपको 2.50% का चार्जेस पे करना पड़ता है। बट अगर आप इसे UPI के साथ में लिंक कर लेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर हो पाएगा। देखिए, जो मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बता रहा हूँ ये कोई नया नहीं है, ऑलरेडी इस तरह के फीचर्स जो है दूसरे एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर ले बजाज UPI की, तो बजाज UPI वॉलेट को आप UPI के साथ में लिंक कर सकते हो, या हम बात कर ले अमेजोन की, तो अमेजोन पे वॉलेट UPI आप क्रिएट कर सकते हो, वॉलेट में जो पैसा होता है उसे आप UPI से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेम फीचर जो है पेजे वालों ने भी लॉन्च कर दिया है, यानी आप अपने पेजे वॉलेट को UPI के साथ में लिंक कर सकते हैं, तो जो भी आपके वॉलेट में पैसा होगा उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। प्रोसेस काफी ईजी है, मुझे नहीं लगता कि आपको करके दिखाने की जरूरत है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में वॉलेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके लोड मनी कर लेंगे, किसी भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप लोड मनी कर सकते हैं। उसके बाद में आप जब ट्रांसफर करना चाहोगे तो किसी भी QR कोड को स्कैन कीजिए जो मर्चेंट QR कोड हो। मर्चेंट QR कोड को स्कैन करने के बाद में अमाउंट एंटर कर दीजिएगा, देन आप नेक्स्ट करेंगे तो अगले पेज को आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पर आपको आपके वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो आपको पेजैप में एक कार्ड मिलता है प्रीपेड कार्ड, उसके थ्रू यहां पर पेमेंट होने वाला है। तो उसका इस्तेमाल करके आप इजीली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने मनी को ट्रांसफर कर पाएंगे बैंक अकाउंट में। और आप इस ट्रिक का यूज करके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के साथ साथ कुछ कैशबैक भी अर्निंग करना चाहते हैं तो यहाँ वॉलेट में लोड मनी करने के लिए आप कोई ऐसे क्रेडिट कार्ड का यूज करिए जहां पर आपको 1% का कैशबैक मिल जाए। जैसे कि यदि आपके पास में अमेजोन पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू आप यहाँ पर लोड मनी कीजिए तो आपका क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर भी हो जाएगा और आपको अमेजोन में 1% के हिसाब से कैशबैक भी मिल जाएगा जितना आप मनी ट्रांसफर करते हैं। अब सवाल है कि क्या ये जो ऑप्शन है ऑल यूजर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये जो है कुछ लिमिटेड यूजर्स को मिल रहा है। यदि आप एक आईफोन यूजर है तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपको ये जो ऑप्शन है मिल चुका होगा, बट जो एंड्रॉइड यूजर्स है उसमें से कुछ ही यूजर्स को अभी ये ऑप्शन मिल रहा है। तो आप अपने अकाउंट में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं कि आपको ये ऑप्शन मिला है कि नहीं मिला है। मिला है तो आप इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट में लाखों रुपए जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी आपके पास मौका है, अगर आपको ये ऑप्शन मिल चुका है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर से कर लीजिए, क्योंकि अगले महीने से यानी 1 अगस्त 2024 से अगर आप अपने वॉलेट मनी को बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो उस कंडीशन में आपसे 1% प्लस 18% का GST चार्जेस लिया जाएगा। सो आप इस ऑफर के एंड होने से पहले इसका लाभ लेना चाहते हैं लेकिन आपके पेजे वॉलेट को UPI के साथ में लिंक करने का ऑप्शन ही नहीं मिला है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप ये ऑप्शन अपने पेजेप अकाउंट में ले सकते हैं, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं लेता हूँ कि 100% इसके बाद से आपका पेजेप वॉलेट को UPI के साथ में लिंक करने का ऑप्शन आ ही जाएगा, लेकिन काफी हाई चांसेस होंगे कि आपको मिल सकता है। तो करना ये है कि फर्स्ट आप एक मर्चेंट QR कोड का जुगाड़ कर लीजिए, तो आपके पास में है तो बढ़िया बात है, नहीं तो कहीं से जुगाड़ कर लीजिए। उसके
बाद आप इस एप्लीकेशन को, अगर आप ओल्ड यूजर हैं तो पेजैप एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करके ओपन कर लीजिए। उसके बाद वॉलेट में कुछ अमाउंट जो है ऐड कर लीजिए, 50-100 रुपया आप ऐड मनी कर लीजिए। देन स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, फिर जो आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना अमाउंट एंटर कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, यानी आप किसके भी आप पे करना चाहते हैं, लाइक आपका बैंक अकाउंट होगा या आपका पास में कोई रुपए क्रेडिट कार्ड होगा, उसका भी ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाता है। लेकिन आप इन दोनों का यूज नहीं करना चाहते, वॉलेट का यूज करना चाहते हैं, तो पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इस चीज को आप रिपीट कर सकते हैं, यानी फिर से बैक जाएंगे, फिर से स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, अमाउंट एंटर करेंगे और यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप 3 से 4 बार अगर रिपीट करते हैं तो काफी हाई चांसेस है कि आपको वॉलेट यूपीआई का ऑप्शन मिल जाए। लेकिन इतना करने के बाद भी आपको वॉलेट यूपीआई का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो एक और काम कर सकते हैं कि फर्स्ट आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद आप अपने फोन को एयरप्लेन मोड में 1 से 2 बार कर दीजिए। इतना करने के बाद में आप फिर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे, देन आप सेम प्रोसेस करेंगे, यानी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने जाएंगे तो काफी हाई चांसेस होंगे कि आपको जो है वॉलेट यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। देन आप अपने वॉलेट के थ्रू यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। तो आप एक बार इस ट्रिक को जरूर से अप्लाई करके देखिए, क्योंकि काफी यूजर्स को इस तरह से वॉलेट यूपीआई का ऑप्शन मिल चुका है। एक न्यू अपडेट आया था पेजैप यूजर्स के लिए जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। आपको आपके वॉलेट को यूपीआई के साथ में लिंक करने का ऑप्शन मिला है कि नहीं मिला, हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों को बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।